मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के बयान अब उन्हीं की पार्टी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही भारत विरोधी बयानबाजी करना मुइजू को भारी पड़ गया है। राजधानी माले के मेयर के लिए हाल ही में हुए चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई। यह हार इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि मुइजू राष्ट्रपति बनने से पहले खुद यहां के मेयर थे, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति चुनाव में भी मुइजू को माले से भारी लीड मिली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत विरोधी कदम उठाना मुइजू की पार्टी को भारी पड़ गया है। चुनाव में भारत समर्थक विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार आदम अजीम ने मुइजू की अगुवाई वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस की एशत अजीमा शकुर को हराया। एमडीपी उम्मीदवार को 60% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं, जिस कारण से मालदीव की मीडिया ने इसे बड़ी जीत करार दिया है। मेयर चुनाव की मिली हार के बाद मुइजू की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि संसद में पहले से ही उनकी पार्टी बहुमत में नहीं है, यहाँ विपक्षी दलों की बहुमत है, और अब माले का मेयर पद भी पार्टी के हाथ से फिसल गया है। ऐसे में मुइजू के लिए देश चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच विपक्षी दल मुइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे हैं।